हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मैथ्स विद फिल। आज की इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाइलर डिज़ाइन। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक गेट की, बीएस की, कोई भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें सिलेबस के अंदर ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है, या फिर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जितने भी पॉइंट मैं आपको कंपाइलर डिज़ाइन की पूरी सीरीज में बताऊंगा, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। और गाइज, इन सारे पॉइंट को अच्छे से आप नोट करना। बड़ी क्लियर एंड क्रिस्प वीडियो जो है आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ना कहीं स्टूडेंट को ये कंपाइलर डिज़ाइन जो है थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगता है। मैं भी उसमें से एक ही था एक्चुअली। मैंने कभी भी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैं एक दो टॉपिक जो वो पढ़ के वो छोड़ देता था, चलो बाकी टॉपिक तो आते ही हैं तो इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, सारे पॉइंट वो इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो वैसे भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हो, हम सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उनको कैसे वैल्यूएट कर रहा है, कैसे इसको कन्वर्ट करता है हाई लेवल से लो लेवल में, मशीन लेवल में, वो एक्चुअल में कंपाइलर की पूरी कहानी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना, मैंने कभी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन एक्चुअल में ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लाइक अगर हम बात करें ना पहाड़ पे चढ़ना है, तो पहाड़ पे चढ़ते टाइम एक्चुअल में होता क्या, सबसे पहले हम नॉर्मल देखते डर लगना हो जाता है कि नॉर्मल है क्या, लेकिन जैसे ही आप उसकी चोटी पे पहुंचते हो, उसकी पीक पे पहुंचते हो, तब आता है असली मज़ा, तब आता है असली नज़ारा। तो वही पॉइंट यहाँ पे स्टार्टिंग में ये लगेगा कि पता नहीं क्या ये सब्जेक्ट है, क्या इसमें कैसे करेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन जब आप इसके पीक पे पहुँचोगे ना, तब आपको पता लगेगा यार ये तो कुछ था ही नहीं, ऐसे ही फालतू में इससे डरते। तो इसलिए कंपाइलर डिज़ाइन जो है आपको बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्प वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो इसलिए सारी से सारी वीडियो को अच्छे से चेक करना। अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता दूँ, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें ना, तो 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि चाहे 2 क्वेश्चन लगा लो दो दो नंबर के, चाहे आप 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, जैसे भी मतलब आप कैसे भी लगा लो, लेकिन 4 नंबर का पेपर जो आप कह सकते हो। ऐसे नेट में भी अगर आप बात करो तो नेट में भी आप कह सकते हो 4 मार्क्स का जो है इसमें से आ सकता है, और ये 4 मार्क्स बिल्कुल सिक्योर कर सकते हो, इसमें कोई भी गड़बड़ जो है नहीं हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 5 टॉपिक मैंने मेंशन किए हैं। एक्चुअल में कंपाइलर की जो फेजेस है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये 5 के 5 फेजेस जो है एक्चुअल में इसका सिलेबस है। तो पहला टॉपिक आता है लेक्सिकल एनालिसिस का। सबसे पहला फेजेज आता है लेक्सिकल एनालिसिस, जिसमें हम टोकनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, डैट इज़ अ मेजर पॉइंट। तो वहाँ पे मे भी 1 आधे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इजी टॉपिक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट हमारे पास पार्सिंग है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ये आप कह सकते हो कि जो कह सकते हो मतलब कोर जो चीज़ है, बेसिक जो पूरे सिलेबस की, पूरे सब्जेक्ट की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास पार्सिंग। और पार्सल में हमारे पास आते हैं टॉप डाउन पार्सल, बॉटम अप पार्सल। टॉप डाउन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज़ योर LL पार्सल। फिर अगर हम बात करें बॉटम अप पे, वहाँ पे हमारे पास SLR आ गया, LR आ गया, LAR आ गया। वहाँ पे हम उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सिमेंटिक एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करेंगे SDD की, सिमेंटिक डायरेक्टली ट्रांसलेशन लैंग्वेज की बात करेंगे, जो बेसिकली सिमेंटिक के बारे में हम यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग हमने कैसे एक्शन परफॉर्म करना है। मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द इजीएस्ट पोर्शन, बिल्कुल इजी पोर्शन है, बिल्कुल इजी पोर्शन है। देन इंटरमीडिएट कोर जनरेशन, जो मेरा यहाँ पे कोर जनरेशन की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास पोस्ट फिक्स कोड है, 3 एड्रेस है, डैग है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की और 3 एड्रेस। तो यहाँ पे भी कई दफ़ा गेट में या फिर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम या BS के एग्जाम में आ जाता है। तो पार्सिंग के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को। फिर हमारे पास आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन, सिंपल सा टॉपिक है, मशीन डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग या मशीन इंडिपेंडेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करेगा। इंस्ट्रक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि मेरा जो टाइम जो है कम से कम लगे, दैट इज़ योर कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये भी अब आपका इजी टॉपिक है, ये भी आपका इजी टॉपिक है, जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, दैट इज़ योर पार्सिंग, क्योंकि इसमें थोड़ी से स्टेप्स आपको याद रखने हैं। याद रखने का मतलब आपको क्रैमिंग नहीं कह रहा, क्रैमिंग नहीं करनी आपने, सारे के सारे आपने पॉइंट पूरे लॉजिकल है, लेकिन स्टेप्स थोड़े से बड़े हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉइंट जो है नोट करना पड़ सकता है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक इज वेरी इजी। तो इसीलिए इन सब पॉइंट्स को नोट अच्छे से कर लेना, और एक एक कर को हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, प्री रिक्वेस्ट मतलब
जैसे कोई भी चीज करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, जैसे हम फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने जा रहे हैं, अरे जेब में पैसे होंगे तभी तो शॉपिंग करेंगे ना, तो वही अगर हम बात करें कंपाइलर डिजाइन सीखने जा रहे हैं तो क्या आना चाहिए, तो आप यहाँ पे टीओसी की बात करें, थ्योरी ऑफ कंपटीशन की, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बेसिक नॉलेज अगर आपको है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। अगर नहीं है तो वो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, आपको मैं थोड़े थोड़े पॉइंट बीच में बताता रहूंगा, अदरवाइज इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई है, तो उसमें से आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है कर सकते हो, क्या करना है वो मैं आपको बताता रहूंगा। मेनली जो हम मतलब चाहे आप फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें, चाहे रेगुलर लैंग्वेज की बात करें, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की, ग्रामर की बात करें, तो बीच बीच में मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूंगा, हिंट देता रहूंगा। दूसरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन क्या होती है, कैसे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ड्रेसिंग मोड, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। और नहीं है तब भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कोई डाउट जो है आपको नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत उसको पहले से भी पढ़ सकते हो, ताकि आपको और बिल्कुल ऐसी इजीली जो है सारे पॉइंट जो है वो समझ आ जाए। तो ये बेसिक जो है, इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं फेजेज ऑफ द कंपाइलर। सो थैंक यू।